आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। हमारे देश में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो वहीं इस मौके पर इस साल पूरे विश्व में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और भारत देश में योग दिवस का एक अपना ही अलग महत्व है, क्योंकि योग में ऐसी शक्ति है जो सीधे परमात्मा से मिलाती है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही योग ने अहम भूमिका निभाई है। योग को लेकर के ऋषि मुनियों का मानना है कि योग मनुष्य की समता और ममता को मजबूती प्रदान करता है। ये एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि जीवात्म का परमात्मा से मिलन का रास्ता है। आपको बता दे, योग शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ ही मन को शांत रखता है। भारत को आज पूरे विश्व में योग के जरिए एक नई पहचान मिली है, क्योंकि आज भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी योग को बहुत सराहा जाता है। आपको बता दें, योग का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी है, जिसमें कई प्रकार के योगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भागवत गीता का पूरा 6वां अध्याय योग को समर्पित है। श्रीमद् भागवत गीता में योग के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और आज के समय में योग को घर घर तक पहुँचाने में बाबा रामदेव का अहम योगदान है। SPN9 न्यूज रूम की report.